अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? अब्दुल रहमान। साहिल। साहिल, साहिल पे खड़े हो, क्या था वो गाना? साहिल पे खड़े हो, क्या था? मुझे भूल गया। साहिल पे खड़े हो, तुम्हें क्या गम चले आना। हाँ, याद आ गया मुझे। अच्छा, दोनों क्या करते हैं? हम वन मिलिंग करते हैं। बहुत अच्छा काम बेटे, बहुत अच्छा काम। इन्हें फड़ो ज़रा, मुझे बताओ कि ये कोई अच्छा काम नहीं है। क्या उम्र है तुम दोनों की? मेरी 15 साल। आपकी क्या उम्र है? 16। बेटा ये तो बड़ा बुरा काम होता है वन व्हीलिंग करना। शौक शौक में जो है ना वो कुछ नुकसान हो सकता है और माँ बाप बड़े परेशान होते हैं। जी ये तो पता है, बस घर वाले बहुत रोकते हैं अब। तो फिर आप क्या कहते हैं? बस हमारा एक शौक है अब। घर वालों ने कभी मार पिटाई की है? की है। कितनी? किसने की? कितनी बार एक्सीडेंट हुआ है हमारा। ला तो फिर क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं मना होते? बड़े तुम लोग कॉन्फिडेंट हो। दुनिया से अगर खुदा ना खास्ता चले गए तो फिर वो अल्लाह की मर्जी, अब जाना है। बेटे अल्लाह की तो मर्जी होती है, लेकिन ये तो खुदकुशी है ना। एक होती है अल्लाह की मर्जी, खुदकुशी भी। खैर देखो ना, खुदकुशी तो खुदकुशी करना चाहते हो? नहीं नहीं, ये तो खुदकुशी के मुतरादिफ है ना कि आप वन व्हीलिंग कर रहे हो। यू नेवर नो कब आपका अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाए। कब तक आप कैसे मनाओगे ये बताओ? मेरे पास व्यूअर्स अल्फाज ही नहीं आ रहे। बच्चे इतने कॉन्फिडेंट हैं अपनी वन व्हीलिंग पे कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं इनको मना कैसे करूँ। कैसे मनाओगे? पैसे दो तो मना हो जाओ। नहीं नहीं, जब शादी होगी छोड़ देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए आप इन्होंने कमिटमेंट की है, शादी होगी तो छोड़ जाएंगे। क्या उम्र है दोबारा बताएं आप? 16 साल। आपकी? 12-15 साल। वाह वाह वाह, क्या बात है। शौक वड्डे वड्डे, कोई गल नहीं। मतलब बाइक भी चलानी है और चप चप छोड़नी है वन व्हीलिंग जब शादी हो जाएगी। जी ऐसा शादी से क्या कनेक्ट है? शादी की क्यों, इसने आपने क्यों कनेक्ट किया हुआ कि शादी होगी तो ही वन व्हीलिंग छोड़ूंगा? वो छुटवा देगी फिर बीबी को। तो जड़ी माँ बैठी हुई है जिन्हें पैदा किया ओदी कोई फिक्र नहीं? फिक्र है बस, उसके लिए नहीं छोड़नी। उसको पता ही नहीं आया था। मामा को नहीं पता आपकी कि आप वन व्हीलिंग करते हैं? एक्सीडेंट होता है तो मैं बता देता हूँ। आप बताएं, आपकी मामा को पता है कि आप वन व्हीलिंग करते हैं? जी पता है। घर तो मेरी बात सुनो, मामा की खातिर वन व्हीलिंग छोड़ दो। अम्मी ने भी तो तुम्हें इतना पैदा किया है, तुम रोए होगे, बीमार भी हुए होगे, तुम्हें पाला होगा, संभाला होगा। हाँ जी, कि जब खुद इंशाल्लाह बड़े होगे, बाप बनोगे, तब पता लगेगा। नहीं पता लगेगा, छोड़ दो। चलो बताओ मुझे, पढ़ाई तो कर रहे हो ना दोनों, वो कौन से ऐसे लफ्ज़ हैं जिसके शुरू में भी ये आता है और आखिर में भी ये आता है? लव। सवाल मुश्किल है ये तो, बच्चों को पता होना चाहिए, स्कूल के बच्चों को पता होता है ये। हाँ जी बताओ भाई, आप स्कूल पढ़ते हो? बताओ। तो आप नहीं पढ़ते क्या? मैंने तो अब छोड़ दिया है। चलिए बताएं मुझे कि कुछ आता है आपको, कोई नात वगैरह आती है? टोपी पहनी हुई है ना आपने सर पे? आती है बस। ना दें कोई इससे? सुन लें, गाना सुना दो। मुझे नहीं आता इसको। सुना दे इसको, शेर आते हैं? नहीं सुना। चाल चला दे यार। नहीं शर्म आ रही है, वैसे आते हैं। वैसे वन व्हीलिंग करते हुए नहीं आई शर्म? वो तो अब क्या पे लोग देख रहे होते हैं, पता है कितना गुस्सा हो रहे होते हैं जो साइडों पे होते हैं। वो हमें देख रहे होते हैं, वो खुश हो रहे होते हैं। किसने कहा है? नाम बन रहा है भाई। आप में से कोई है जो बताएगा कि कोई वन व्हीलिंग पे खुश होता है? ये भी भाई है, ये भी है। ये आगे से करते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह और उठाओ। मेरा तो दिल चाहता है मैं उनको गाड़ी मार दूं ताकि एक दफ़ा गिरे अगली दफ़ा ना करें। तो आप लोग चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया, लेकिन छोड़ दो वन व्हीलिंग। व्यूअर्स ऐसे कोई मैं आपको बताऊं कि बच्चे जो हैं वो कॉन्फिडेंट थे। मैं हैरान हूं कि कह रहे हैं कि हम वन व्हीलिंग करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि वन व्हीलिंग तब छोड़ेंगे जब शादी होगी। तो जिस माँ ने पैदा किया है, इतनी मुसीबतें काटी हैं, इतनी रातें गर्मियों की सर्दियों की, माएँ शायद खुद पंखा नहीं झेलती और बच्चों को झेलती रहती हैं कि बच्चे को गर्मी ना लगे, और बच्चे महफूज रहे हैं, उनके बच्चे फिर ऐसे बड़े होकर ये सिला देते हैं माँ बाप को। बड़ा गुस्सा आ रहा है मुझे, लेकिन कोई बात